हेलो एवरीवन, कवि डिजाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक भी है साड़ी से ड्रेसेस बनाने का। तो मैं पहले आपको कुछ साड़ियाँ दिखाऊंगी। मैं आज जो साड़ी लेके आई हूँ, कम से कम 5 साड़ी लेके आई हूँ, जिसमें से मैं ड्रेसेस बनाकर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम आपको साड़ी दिखाएंगे, फिर उसके बाद ड्रेस बना के दिखाएंगे, और फिर उसके बाद उन्हें पहना के भी दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ज्यादा देर ना करते आपको साड़ी दिखाते। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और सबको भी वीडियो के मतलब जो हमारी पुरानी साड़ी में से जो ड्रेसेस बनती है उन सबका आइडिया मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको साड़ी दिखाते। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको ये वाली साड़ी दिखाते हैं, जो कि काफी हैवी है। इसमें एम्ब्रॉयडरी इतनी हैवी है, और ये हमारे पुराने क्लाइंट है, ऑफलाइन क्लाइंट है इसकी। ये बहुत मतलब काफी हैवी साड़ी है, और ये थोड़ी सी पुरानी है। ये एक या दो बार पहनी हुई है, बट आज के टाइम में साड़ी जो है एक या दो या तीन से ज्यादा पहनी ही नहीं जाती है। लेकिन उनको हमें ऐसे मतलब वेस्ट करने का भी मन नहीं करता है, तो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें से यूटिलाइज हो। जब से हम वीडियो डालना शुरू किया तो क्लाइंट हमारे काफी एक्साइटेड हो गए हैं, और अच्छे से अच्छी साड़ी निकालते हैं, और उसके बाद हमारे पास आते हैं कि मैम आप हमारी भी ड्रेस बनाइए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये काफी हैवी साड़ी है, जिसमें से फ्रेंड्स लहंगा बनने जाएगा। इसमें से हम लहंगा भी बनाएंगे, ब्लाउज भी बनाएंगे, और एक दुपट्टा अलग से तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले इस साड़ी की आप रूपरेखा देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इसमें से हमने किस तरीके से ड्रेस तैयार की है। ये देख रहे हो फ्रेंड्स, ये नीचे ऊपर नीचे का हिस्सा जो है काफी भरा हुआ है, और ऊपर जो साड़ी का, ये तो आपको भी पता है कि ये वाला हिस्सा प्लेन होता है, और जो हमारे पल्लू का हिस्सा है ये काफी भरा हुआ है। अपनी साड़ी में से ये भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये लहंगा बनेगा तो हैवी भी बनाना है, घेरदार भी बनाना है, और उसकी लुक भी अच्छी बनानी है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो लहंगे के लिए मैंने जो आइडिया निकाला, मैं आपको थोड़ा सा यही समझा देती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है जो कि सीखना भी चाहते हैं, और कुछ ऐसे क्लाइंट है जो आइडिया भी लेना चाहते हैं। तो हम ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला हिस्सा हमारे किसी भी काम का नहीं है, इसमें से सिर्फ हमारा हैवी वाला पार्ट ज्यादा यूज होगा। तो क्या करेंगे हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इस हिस्से को ही इस तरीके से डबल करेंगे, और यहाँ पे हम इसकी एक जुड़ाई करेंगे। वो जुड़ाई इस तरीके से करनी है, उसे हमें इस तरीके से जोड़ना है दोनों हिस्सों को, मतलब हमारा जो ये वाला लास्ट वाला हिस्सा है, इस लास्ट हिस्से में से ही हम पार्टीशन करेंगे, और उस पार्टीशन को ऊपर सेट करेंगे। ऊपर सेट करके और उसमें हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे कि हमें इसमें जोड़ भी नहीं पता चलेगा, और हमारा जो इसमें से लहंगा निकलेगा वो अच्छे घेर का निकल जाएगा। तो जब ये तैयार हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें हमने किस तरीके से तैयार किया। तो यही मेरा एक तरीका है कि मैं इसमें से लहंगा और ब्लाउज जो निकालना है, घेरदार भी निकल जाएगा और ब्लाउज भी निकल जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम यूटिलाइज भी करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, इसकी हम ड्रेस बना के दिखाएंगे आपको। आपने पहले सब फर्स्ट साड़ी देखी, अब उसके बाद हम आपको सेकंड साड़ी दिखाते हैं। देखिए, मेरा जो साड़ी को बार बार दिखाने का मकसद यही होता है कि स्टार्टिंग में हम साड़ी दिखाते हैं, तो आप उसे साड़ी को देखने के बाद जब आप ड्रेस देखते हो तो बहुत अच्छे से आराम से समझ में आ जाती है कि ये साड़ी किस तरह की थी और इसमें से क्या क्या बना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे ऑनलाइन क्लाइंट है, मतलब इन्होंने हमारे काम को देखा, वीडियो देखी, और उसके बाद ये हमारे पास आए और इन्होंने हमें ये साड़ी दी, और इस साड़ी में से हम जो ड्रेस बनाएंगे ये क्लाइंट की डिमांड से बन रही है। क्लाइंट की जो डिमांड थी उसके हिसाब से हम ड्रेस तैयार करेंगे। देखिए, पहले आप साड़ी देखिए, फिर मैं बताती हूँ इसमें से हम क्या बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो पल्लू है, पल्लू ये है मेन पल्लू इसका, ये है पल्लू के बाद वाला जो हिस्सा है, ये जाल वाला है। इस तरह की साड़ी में, इस तरह की जो डिजाइनिंग होती है, उसमें से भी काफी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बन सकती है। बट क्या करें, जिस तरीके से क्लाइंट की डिमांड होती है उसी हिसाब से हम काम करते हैं। तो इसमें से हमारा बनेगा एक लॉन्ग टॉप, मतलब इसमें से हम बनाएंगे एक लॉन्ग टॉप। मैंने इसका सारा हिसाब मेजरमेंट करके देखा, उसके बाद ये लॉन्ग टॉप में बन रहा है। यहां से बनाएंगे हम इसकी एक स्कर्ट।
तो इस तरीके से ये लॉन्ग टॉप के साथ में स्कर्ट वाली ड्रेस बनेगी, और जो लॉन्ग टॉप बनेगा वो भी काफी खूबसूरत बनेगा, वो बनने के बाद आपको दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड जो साड़ी दिखाई है इसमें से हम लॉन्ग टॉप वाली स्कर्ट के साथ में एक ड्रेस तैयार करेंगे। ये हमारी दूसरी साड़ी है। अब हम आपको दिखाते हैं तीसरी साड़ी। देखिए फ्रेंड्स, ये जॉर्जेट की साड़ी है, काफी प्यारी साड़ी है। इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत प्यारा है। देखिए क्लाइंट की, देखिए लगता है आपको कि कहीं से इसको हम वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे साड़ी पहनी भी नहीं जाती और उसको फेंकने का भी मन नहीं करता, मतलब उसको किसी को देने का भी मन नहीं करता, तो सोचते हैं कि इसमें से हम अपने लिए कुछ ड्रेस बनवा ले। ड्रेस ऐसी बात नहीं है, ड्रेस बनने के बाद काफी खूबसूरत लगती है। तो इसमें से जो हम बनाने जा रहे हैं वो एक सूट और प्लाजो बनाएंगे। सूट और जो प्लाजो बनेगा, जब बन जाएगा उसके बाद आप इसकी ड्रेस देखना। अभी मैंने आपको सिर्फ साड़ी दिखाई है, ये पल्लू है और इसका वर्क भी देखिए कितना प्यारा वर्क है, काफी खूबसूरत वर्क है इसका। बाकी जब बन जाएगा मैं इसके बारे में आपको तब समझाऊंगी कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया। तो ये आपको मैंने तीसरी साड़ी दिखाई, अब उसके बाद हम आपको फोर्थ साड़ी दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारे क्लाइंट है, ये हमारे ऑफलाइन क्लाइंट है, जो कि कुछ हमारे क्लाइंट इतने पॉजिटिव हो गए हैं जब से हमारे ड्रेसेस देखनी शुरू करी है उन्होंने, उनको ये बिलीव हो गया है कि मतलब साड़ी में से यदि ड्रेस बनेगी तो काफी खूबसूरत बनेगी। देखिए जॉर्जेट की साड़ी है और इसका भी वर्क बहुत सुंदर है। ये देखिए इसका कलर भी बहुत प्यारा है, मतलब साड़ी देखने के बाद मन भी करता है कि हाँ इसमें से कुछ ड्रेस बनाएंगे तो अच्छी लगेगी। कुछ साड़ी ऐसी होती है जो कि ड्रेसेस बनने के बाद लुक नहीं आती है, तो उसके लिए हम थोड़ा आइडिया भी दे देते हैं कि इसमें से ऐसा कुछ अच्छा लगेगा नहीं, तो उसका भी कुछ बन सकता है तो बनाएंगे, अदरवाइज कोई जबरदस्ती उसमें नहीं होती कि उसको बनाना ही जरूरी है, तो जो बनाना ही वो चाहिए जो लगे कि इसमें से अच्छी लगेगी ड्रेस। तो ये जॉर्जेट की साड़ी और इसमें पेम्पलम वाला लुक बनेगा, ऊपर से पेम्पलम बनेगा और एक नीचे प्लाजो बनेगा, तो इस तरीके से इसमें पेम्पलम वाली ड्रेस तैयार होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लास्ट पे हम आपको जो फिफ्थ नंबर की साड़ी है वो दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारे ऑनलाइन क्लाइंट है, जिन्होंने हमारा काम देखा, उन्हें हमारा काम पसंद आया और काम पसंद होने के बाद उन्होंने हमें ये साड़ी दी। देखिए साड़ी कितनी खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी साड़ी। साड़ी देखने के बाद ही मन समझ एकदम से दिमाग में आती है कि इसमें से क्या अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें से क्लाइंट की जो डिमांड है वो है एक कलियों वाला अनारकली ड्रेस बनेगी, तो इसमें से बनेगा कलियों वाला गाउन। और तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने आपको पांच साड़ी दिखाई, अब इन पांच साड़ी से हम ड्रेस तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको ड्रेस तैयार करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो आपको साड़ी दिखाई आज उसमें से ड्रेसेस तैयार हो गई है, जिसमें से सबसे पहले मैंने आपको एक हैवी साड़ी दिखाई थी, आज हमने उसमें से एक हैवी लहंगा तैयार किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने लहंगे की तरफ चलते हैं और आपको लहंगा दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो आपको साड़ी दिखाई उसमें से हमने ये लहंगा बनाया। आप पहले पूरा कंप्लीट लुक लहंगे की देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो आपको साड़ी दिखाई उस साड़ी में से हमने ये हैवी लहंगा तैयार किया है। अब ये हैवी लहंगा जो बनाया हमने, जिसका हमने ब्लाउज बनाया, ये हमने लहंगा बनाया, साथ में हमने एक दुपट्टा बनाया। तो अब हम आपको इसका कंप्लीट डिटेल समझाते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया। बाकी जब मैंने आपको साड़ी दिखाई थी मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था कि हम इसे इस तरीके से बनाएंगे। अब आपने इसे नोट किया होगा कि ये पूरा हैवी वर्क वाला ही लहंगा है, इसमें कहीं भी प्लेन नहीं बनाया है इसको, इसको हमने पूरा कंप्लीट एक हैवी लुक दिया है। अब हम सबसे पहले आपको लहंगे के बारे में बताते हैं कि हमने इसका लहंगा कैसे तैयार किया। जैसे कि फ्रेंड्स, आप साड़ी में नोट कीजिए, मैंने साड़ी जो दिखाई थी वो साड़ी जो 2.5 मीटर जो हमारा स्टार्टिंग पल्लू है वो काफी हैवी भरा हुआ था, उसके बाद हमने इसको हाफ एंड हाफ में साड़ी थी। लेकिन आपने इसको नोट किया कि ये खाली नहीं है कहीं से भी। तो फ्रेंड्स, जो साड़ी थी वो साड़ी हमने हाफ एंड हाफ साड़ी को, जो 2.5 मीटर के बाद वाला जो हिस्सा है
उसमें से हमने साड़ी का आधा किया, आधा करके वो जो आगे का वर्क था उस वर्क को हमने उसके साथ जोड़ दिया। मतलब 2.5 मीटर के बाद जो हमारा हाफ एंड हाफ है, हाफ एंड हाफ को हाफ किया, हाफ करने के बाद उधर का हिस्सा हमने ऊपर जोड़ दिया। ऊपर जोड़ने के बाद उसकी लंबाई भी बढ़ गई और हमारा कपड़ा भी पूरा वर्क वाला हो गया। अब उसके बाद हमने जो इसकी कलियां बनाई वो हमने हेयर फेयर करके कटिंग की है। हेयर फेयर करके हमने इसकी कटिंग करके हमने ये लहंगा पूरा घेर वाला तैयार किया। आप फ्रेंड्स इसका पहले घेर देखिए कि क्या इसका घेर कम है। बाकी तो देखिए अभी हमारे क्लाइंट भी इसे पहन के दिखाएंगे। आप इसका जब भी लुक देखना कि इसका घेर कितना बना। इसका घेर काफी अच्छा बना है और जो हमारे क्लाइंट हैं वो भी काफी अच्छे टॉल हैं, मतलब लंबे हैं, और इसकी लंबाई जो बनी है वो 43 बनी है लहंगे की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि साड़ी की जो लंबाई है, साड़ी की लंबाई जो मोस्टली होती है वो 42 या 43 होती है, बट हमने इसमें जो ये नेफा बनाया, ये नेफा हमने बढ़वा लगाया, और ये जो बढ़वा लगाया ये हमने साड़ी का बॉर्डर ही लगाया है। साड़ी का बॉर्डर हमने बढ़वा लगा दिया, और जो इसका नीचे बॉर्डर लगा है बॉर्डर भी हमने लटक में लगाया है, मतलब इसको भी बढ़वा लगाया। तो इस तरीके से हमारी 43 लंबाई तैयार आई है। ये क्लाइंट के बिल्कुल लंबाई में फिट है, उसकी फिटिंग में कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स आप इसके जोड़ ध्यान से देखिए, आपको कहीं ऐसे जोड़ नहीं नजर आएंगे, सिर्फ आपको ये कलियां नजर आएंगी। देखिए ये हमने कलियों वाला पीस बना, कलियों वाला लहंगा तैयार किया है। बाकी इसमें ऐसा कुछ इसके अंदर जोड़ नहीं नजर आ रहा, आप पीछे भी देख सकते हो। बाकी हमारे क्लाइंट भी बताएंगे कि उनको कहीं जोड़ महसूस है या नहीं है। तो आपने देखा हमने इसको एक फुल वर्क वाला लहंगा तैयार किया। तो हमारी कोशिश थी कि इसमें घेर भी बन जाए और कहीं से भी ये प्लेन ना आए। ये सिर्फ ऐसा जो घेर बनाया या जो इस ट्रिक से बनाया ये सिर्फ हम वर्क वाले में बना सकते हैं। जिसका वर्क जो है अनइवन होता है, जिसका कोई रुख नहीं होता, ये सिर्फ उसमें जोड़ लगाया जा सकता है। इस तरीके से हमने एक बीच में जोड़ लगा के फिर हमने कली को हेयर फेयर करके कटिंग की, तो इस तरीके से हमारा अच्छे तरीके से एक वर्क वाला लहंगा तैयार हुआ। तो ये मैं इसको बार बार अच्छे से डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप सबके आपके पास भी कुछ इस तरह की साड़ी है तो आप भी इस तरीके का लहंगा तैयार कर सकते हो। और फ्रेंड्स इसमें हमने केन भी लगाई है, केन इसके अंदर लगी है ताकि इसमें अच्छे से उठान आ जाए। और इसमें संटून की लाइनिंग लगाई है हमने, साटन नहीं लगाई, संटून लगाई है। और फ्रेंड्स देखिए इसमें हमने लाइक्रा भी लगाया है, मतलब ये वाला जो हमारी साड़ी थी इस साड़ी में हमने ये एक लाइक्रा चिपकने वाला होता है जिससे अच्छी ग्रेस आ जाती है। तो इसका हमने व्हाइट कलर का होता है, इसको डाई कराते हैं, डाई करा के इसको इस पे चिपका देते हैं। तो इस तरीके से फैब्रिक जो होता है उसमें अच्छे से ग्रेस आ जाती है। तो हमने लहंगा तैयार किया। अब हम आपको ब्लाउज के बारे में बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स ब्लाउज भी हमने इसी साड़ी में से बनाया है। ब्लाउज का जो हिस्सा जो हमने ब्लाउज बनाया है वो हमने जो साड़ी का स्टार्टिंग वाला हिस्सा होता है ये हमने फैब्रिक वहां से निकाला। ये कट स्लीव था इसलिए थोड़ा सा और अच्छे से घेर बन गया लहंगे का, क्योंकि कट स्लीव के लिए भी फिर स्लीव के लिए भी फैब्रिक चाहिए था, बट ये कट स्लीव था तो हमने जितना हमें जरूरत था सिर्फ हमने उतनी ही कटिंग की और उसको हमने ब्लाउज बनाया। ये पैडेड ब्लाउज है और पैडेड ब्लाउज के साथ हमने ये वाली शेप बनाई है। क्लाइंट की डिमांड जो थी वो कुछ इस तरह की ही शेप की थी। अब हम इसकी बैक दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स ये इसकी बैक बनाई है हमने। क्लाइंट की डिमांड थी कि कुछ मुझे बैकलेस में डोरी वाला डिजाइन बनाया जाए तो हमने कुछ इस तरीके का लुक दिया इसको। तो हमने इसमें भी ऐसे ही शेप बना दी, इसमें हमने गोल्डन कलर की पाइपिंग लगाई और ये वाला ब्लाउज तैयार किया। तो ये पैडेड ब्लाउज हो गया, साइड में हमने इसमें चेन दे दी ताकि वो आराम से पहन सके। तो फ्रेंड्स हमने ये कट स्लीव ब्लाउज है, ये लहंगा। अब हमने एक साथ में एक दुपट्टा भी तैयार किया। अब मैं आपको दुपट्टे के बारे में समझाती हूँ कि दुपट्टा हमने कैसे बनाया है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये हमारी अपनी नेट होती है, ये डाइएबल नेट है, इसको हमने डाई कराया। डाई कराने के बाद हमने जो इसका बेस कलर बनाया, बेस कलर हमने इसका जो देखें आप इसकी मैचिंग देखें, इसकी मैचिंग मजेंटा कलर की है। मजेंटा कलर की मैचिंग से हमने इसका नेट का दुपट्टा डाई कराया। नेट का दुपट्टा डाई कराने के बाद हमने इसमें
बॉर्डर लगाया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बॉर्डर है हमने कुछ इस तरीके का देखिए फ्रेंड्स, हमने जो इसमें बॉर्डर लगाया है, बॉर्डर को कोशिश की है, ये बॉर्डर इसमें से हमने जो साड़ी में बचा हुआ था वो तो सब हमने इसी में यूज कर दिया था, अलग से हमने दुपट्टे में नहीं लगाया। ये हमने अलग से एक बॉर्डर लिया और ये हमने दुपट्टा तैयार किया। कोशिश की है कि इसी से हम मैचिंग करें इसकी, जैसे इसके अंदर मोती आए हुए हैं तो मोती वाला हमने बॉर्डर लिया और साथ में हमने ये मैचिंग की गोल्डन कलर की मोती की लेस लगाई और इस तरीके से हमने ये वाला दुपट्टा तैयार किया। देखिए इसके पीछे हमने जो बेस बनाया वो भी गोल्डन टच बनाया है। यदि हम बॉर्डर लगाते हैं तो पीछे बेस लगाना जरूरी होता है ताकि उसमें अच्छे से ग्रेस आ सके। तो चुन्नी बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर अगर यदि हम पीछे बेस बनाना बनाए नहीं तो दुपट्टे में वो मजा नहीं आता, वो लुक नहीं आती। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के दुपट्टे बनाने का मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि ये वाले दुपट्टे कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा और आप कमेंट्स बॉक्स में भी बताना कि आपको ये दुपट्टा कैसा लगा और हमारा ये आइडिया कैसा लगा, जो कि मैंने आपको बताया कि ये साड़ी है, साड़ी में से हमने ऐसे जोड़ लगा के ये लहंगा तैयार किया। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इसमें जोड़ नजर आ रहा है या ये कैसा लग रहा है, इसकी लुक कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको सेकेंड ड्रेस दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे अब खुद के क्लाइंट आ गए हैं जिनका ये लहंगा है। और फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो रियल लुक है या इसका जो कंप्लीट लुक है, जो इसकी कंप्लीट लुक हमारे क्लाइंट ही बताएंगे कि उनको ये लहंगा कैसा लगा। जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया कि इसमें एक जोड़ भी है जो हमने इसे जोड़ के बनाया, बट इसकी जो रियलिटी बताएंगे वो हमारे खुद के क्लाइंट बनाएंगे, जिसका ये लहंगा है। बताइए कि आपको जैसा आप सोच के आए ऐसा ही बना, इसमें जो जोड़ आपने बता हमने तरीका बताया था कि ऐसा बनेगा, आप बोल रहे थे कि इसमें जोड़ ना नजर आए, तो आप बताइए आपको ये कंप्लीट लुक कैसी लगी। मैम, मैं इतनी ही बोलना चाहूंगी कि जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत मुझे लगा और इतनी क्रेजी थी कि कब मिलेगा, और मिलने के बाद जो एक्साइटमेंट है ना, थैंक यू मैम, थैंक यू। आपको भी पसंद आया मैम, हमारे लिए यही डिजाइनर बुटीक। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, अब तो इसकी रियलिटी पता चल रही है कि हमारे खुद क्लाइंट बोल रहे हैं कि इसमें कोई मुझे मतलब इसमें कोई ऐसा, आप खुद देखिए। इसमें मेन जो दिखाने का पर्पज वही है कि यदि हमारे पास हैवी साड़ी है तो हम इस तरीके से एक हैवी लुक दे सकते हैं। थैंक यू मैम, आपको हमारा बना हुआ लहंगा बहुत पसंद आया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमने जो आपको ब्लू कलर की साड़ी दिखाई, पहले आप साड़ी ध्यान से देखिए, साड़ी ध्यान से आपने देख ली, उसके बाद आप ये ड्रेस देखिए। हमने इस तरह की ड्रेस तैयार करी है, इसमें से एक क्लाइंट की कुछ इसी तरह की डिमांड थी कि मुझे टॉप लॉन्ग टॉप होना चाहिए और साथ में एक स्कर्ट होनी चाहिए। तो हमने देखिए फ्रेंड्स, इसमें लॉन्ग टॉप बनाया है और स्कर्ट बनाई है। जो हमारा ये लॉन्ग टॉप था, इस तरीके के लॉन्ग टॉप में हमने ये डिजाइनिंग जो है ये हमारे पल्लू में से बनी है, और पल्लू वाला सिर्फ हिस्सा मैंने आपको साड़ी में दिखाया, आप ध्यान से देखिए उसमें कितना फैब्रिक है, उसके हिसाब से हमने इसमें ब्लू कलर का यहाँ पे इस तरीके से हमने ब्लू टच दिया है। और इसका पल्लू के बाद वाले हिस्से में ये वाली फिनिशिंग थी, मतलब ये इस तरह की डिजाइनिंग थी, मतलब एक जाल था, उस जाल में से हमने ये कोटी निकाली है और साथ में हमने ये बॉर्डर सेट कर दिए हैं। और इसकी जो स्लीव्स है, इसकी स्लीव्स में भी हमने बॉर्डर सेट किया है। और इसकी बैक देखिए, बैक में वैसे कुछ है नहीं लेकिन बाकी आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पैटर्न तैयार किया है। और जो नी साड़ी के बाद वाला जो हिस्सा है उसमें से हमने ये स्कर्ट तैयार करी है। ये स्कर्ट हमने कलियों वाली बनाई है और इसमें कम से हमने 16 कली का ये स्कर्ट तैयार करी है। इसमें हमने केन भी लगाई है, ये देखिए, ये हमने इसके अंदर केन लगाई, कॉटन की लाइनिंग लगाई और ये हमने एक स्कर्ट तैयार करी है। और इसका जो बॉर्डर है ये बढ़वा में लगाया क्योंकि इसकी लंबाई जो है इस तरीके से हमने लंबे में ली तो इसकी लाइनिंग कम, मतलब एक लेंथ कम पड़ रही थी, तो हमने इसका बॉर्डर लटकमा में लगाया।
और इसमें हमने यहाँ पे भी नेफे में भी बॉर्डर दिया, तब जाके इसकी लंबाई कंप्लीट हुई। तो कुछ कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं, तो उनकी इस तरह की जैसे साड़ी होती है तो ऐसे वाला पैटर्न है, यदि हम इस तरीके से कलियां निकालते हैं तो उसमें लंबाई कम पड़ जाती है। तो यदि ऐसे निकलता है तो ठीक है, नहीं तो हम इस तरीके से भी अपनी कलियों को सेट कर सकते हैं। तो आपने देखा हमने ब्लू कलर की साड़ी में से ये वाली ड्रेस तैयार करी। अब इसे हमारे क्लाइंट पहन के दिखाएंगे, इसकी जो कंप्लीट लुक होगी वो हमारे क्लाइंट पहन के दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो आपको तीसरी साड़ी दिखाई थी, आज उस तीसरी साड़ी में से भी हमारी एक ड्रेस तैयार हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी ड्रेस पेम्पलम लुक में तैयार होने वाली है। ये पहले इसका कंप्लीट लुक देख लीजिए, ये इसको हम डमी पे नहीं पहनाया, बाकी आप जब हमारे क्लाइंट पहनेंगे तो पहना के ये ड्रेस दिखाएंगे। तो हमने ये वाला पेम्पलम कुछ इस तरीके से बनाया है, जैसे कि पल्लू का जो हिस्सा था, पल्लू का हिस्सा हमने बीच में से कट करके उसको साइड में लगा दिया और दोनों हिस्से हमने कढ़ाई के आमने सामने ऐसे अटैच कर दिए। ये क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे सामने से खुले ओपन वाला चाहिए ड्रेस। तो आपने देखा इसको हमने फ्रंट से इस तरीके की पूरी डिजाइनिंग बनाई और इसकी जो नेक है, नेक में हमने पाइपिंग निकाली। आप एक बार पाइपिंग ध्यान से देखिए, इसकी पाइपिंग निकाली और इसमें हमने ऐसे बटन लगाए, इसके अंदर इस तरीके के फैंसी बटन लगे और इसकी स्लीव्स में भी कढ़ाई ली हमने। और इसकी बैक जो है, बैक में भी इस तरीके से इसकी चुन्नट वाली डिजाइनिंग बनाई। तो ये चुन्नट वाला, चुन्नट के साथ में पेम्पलम लुक काफी सुंदर, मतलब इस ड्रेस में से, इस वाली साड़ी में से इस तरह की ड्रेस काफी सुंदर लगी है। और देखिए इसका हमने बेल्ट भी बनाया, ये बेल्ट मन करे लगाइए मन करे ना लगाइए, क्योंकि हमने इस तरीके से अलग से बेल्ट तैयार करी है। ये क्लाइंट की डिमांड थी कि एक आप हमारी बेल्ट भी बनाइए। और इसका प्लाजो, ये देखिए प्लाजो भी तैयार किया है। प्लाजो जो है वो आपको देखने से लग रहा होगा कि ऊपर का हिस्सा प्लेन है और नीचे वर्क वाला है, तो साड़ी के वर्क वाला हिस्सा के बाद जो नीचे वर्क होता है, हाफ में वर्क होता है, उसमें हमने ये प्लाजो तैयार किया। प्लाजो 2.25 मीटर के बाद वाला जो फैब्रिक होता है उसमें आराम से निकल जाता है, तो इस तरीके से हमने उसमें प्लाजो निकाला और ये पल्लू वाले हिस्से में से हमने ये पेम्पलम बनाया। तो बाकी तो कमेंट्स बॉक्स में आप बताओगे कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। और इसकी जो बेल्ट है, बेल्ट में भी हमने साइड में पाइपिंग दी है, पाइपिंग से इसकी अच्छी ग्रेस आ गई है और इसमें फैब्रिक भी लगाया है। फिनिशिंग देखिए, फिनिशिंग कितनी सुंदर है। और फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं और मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर जो कि बोलते हैं कि मैम इनकी वीडियो भी दिखाइए कटिंग की, तो हम धीरे धीरे देखेंगे। सभी की तो कटिंग नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इन चीजों के लिए चाहिए, पर हाँ एक एक करके हम थोड़ी थोड़ी कटिंग दिखाते रहेंगे। अभी पहले हम ड्रेसेस दिखा दें, फिर उसके बाद हम इनकी कटिंग भी दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको एक और ड्रेस दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको फोर्थ नंबर की जो साड़ी दिखाई थी उसमें से जो ड्रेस तैयार करी है वो भी ड्रेस दिखाते हैं हम आपको। वो हमारे प्लाजो के सेट में बनाई है हमने। ये देखिए, मैंने आपको ये वाली साड़ी दिखाई थी, तो साड़ी में से हमने ये सूट तैयार किया, मतलब प्लाजो के साथ में एक कंप्लीट सूट तैयार हुआ है। ये क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे सूट प्लाजो के साथ में चाहिए ये वाली साड़ी में से। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हमने वर्क को, इस जो हमारा इसमें साड़ी में वर्क था वही वर्क हमने यहाँ पे लगाया नेक में, और साथ में हमने ऐसे पाइपिंग लगा दी। पाइपिंग लगा के इस बॉर्डर को हमने इस तरीके से सेट किया। बीच में ये पाइपिंग पहले से ऑलरेडी थी पर काफी सुंदर लग रही है, और इसमें हमने नेक में पाइपिंग दी है, गोल गला बनाया इसके अंदर, और इसके जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स में भी बॉर्डर आ गया, नीचे दामन में भी बॉर्डर आ गया, बॉर्डर पीछे भी आया है,
और साइड में ये वाली पट्टी हमने निकाल के साइड चाक में हमने पट्टी लगाई, जिस हिसाब से बचा इसका और हिस्सा नहीं बचा ताकि हम इसे पीछे लगा सकते, ये वाली पट्टी बची तो हमने इसको आगे लगवा दिया। तो हमने इस तरीके से एक और ड्रेस तैयार की है और इसके आप इसको देखिए पूरा जो वर्क है वो पूरा ऊपर तक है फ्रंट वाले हिस्से में और बैक में पीछे से थोड़ा सा प्लेन है। ये पल्लू की तरफ से निकला फ्रंट और उसके बाद ये बैक हमने पल्लू के बाद वाले हिस्से से निकाली, स्लीव्स भी निकाली और साथ में हमने एक प्लाजो भी निकाला। देखिए फ्रेंड्स ये हमने प्लाजो बनाया, प्लाजो में भी बॉर्डर आ गया। पहले हम आपको साड़ी दिखाते हैं, साड़ी दिखाने के बाद ड्रेस तैयार करते हैं और ये सब ड्रेसेस इकट्ठी करते हैं, इकट्ठी करने के बाद हम आपको इसी तरीके से ड्रेस पूरी तैयार दिखाते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों के लिए सेटिंग में टाइम लग जाता है, पूरे पीस को पहले बना के इकट्ठा करके रखें और फिर उसके बाद हम इन्हें धीरे धीरे दिखाते रहे। तो हमने आपने देखा फोर्थ नंबर पे हमने ये वाली ड्रेस तैयार करी। अब हम आपको एक और साड़ी रह गई फिफ्थ नंबर पे, अब हम उसकी ड्रेस दिखाते हैं आपको। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपनी ड्रेस की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने जो आपको फिफ्थ नंबर पे साड़ी दिखाई आज उसमें से ड्रेस तैयार हो गई है। पहले आप ड्रेस की कंप्लीट लुक देख लीजिए ताकि मैं आपको फिर इसके बाद डिटेल में बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स ये जो साड़ी थी इस साड़ी में से हमने ये गाउन तैयार की। ये गाउन की जो डिमांड थी वो क्लाइंट की है कि इसमें से हमारी गाउन बनाई जाए, तो हमने इसमें से जो गाउन बनाई है गाउन में जो ये हमने सबसे पहले आप नेक देखिए क्योंकि नेक की क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे नेक छोटा चाहिए, तो हमने इसमें से नेक छोटा बनाया, उस पर लेस लगाई और फ्रंट जो ये डिजाइन है ये भी क्लाइंट की ही डिमांड के हिसाब से बनाया हमने। इसमें जो पैच लगाया हमने, पैच हमने जो इसके अंदर बॉर्डर था साड़ी के अंदर उसी बॉर्डर से हमने ये पैच तैयार किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने पैच किस तरीके से तैयार किया। हमने ये बॉर्डर को खोला, यहाँ से भी खोल दिया, इधर से भी खोल दिया और इसके बीच में हमने सिलाई लगाई। बीच में इस तरीके से सिलाई लगाई कि आपको इसमें सीम नजर कम आएगी लेकिन एक चौड़ा पैच बन गया। फिर इस चौड़े पैच को हमने ऐसे लगा दिया, ऐसे लगाने के बाद फिर हमने अपने पास से एक लेस लगाई और साथ में हमने रेड कलर की लेस लगा दी। रेड कलर की लेस आपकी समझ आई गई होगी कि क्यों लगाई है, क्योंकि जो इसकी मैचिंग थी वो रेड कलर की थी, तो रेड कलर की मैचिंग के हिसाब से हमने इसमें लेस लगाई है। और फ्रेंड्स इसके जो पीछे का गला है वो भी सिंपल बनाया हमने, गोल गला, छोटा गला क्लाइंट की डिमांड थी और पीछे इसमें बैक में चेन लगाई है। तो ये वाला तो हमने चोली का पार्ट दिखाया आपको कि इसमें हमारी पीछे चेन लगी और इसके नेक में हमने पाइपिंग भी निकाली। और फ्रेंड्स इसे देखिए, ये हमने जो इसका घेर बनाया है कलियों वाला, इसको हमने कली वाला तैयार किया है, मतलब इसमें करीब 16 कली से ये पीस हमारा तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स इसके अंदर हमने जो बॉर्डर था साड़ी में चौड़ा बॉर्डर था वो हमने नीचे लंबाई के हिसाब से लगा दिया, लेकिन फ्रेंड्स इसमें आपने देखा कि बीच में हमने ऐसे लेस लगाई हुई है। ये लेस साड़ी के अंदर नहीं थी, ये हमने पास से लगाई है। इसका रीजन है कि इसकी लंबाई कम हो रही थी, लंबाई को बढ़ाने के लिए हमने बीच में ऐसे लेस लगा दी ताकि इसकी लंबाई पूरी कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से इसकी लंबाई बढ़ाई गई। और फ्रेंड्स देखिए इसमें हमने जो साड़ी का बॉर्डर था वो बॉर्डर हमने नीचे की तरफ लगाया, इसमें हमने केन भी लगाई है। और फ्रेंड देखिए साड़ी जो इतनी हल्की थी कि मतलब इसमें ग्रेस नहीं आ रही थी, तो हमने इसमें ऐसे लाइक्रा लगा दिया। लाइक्रा, ये लाइक्रा लगाने से कपड़े में थोड़ी ग्रेस आ जाती है और उसमें थोड़ा भारीपन आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसकी कलियों में ऐसे लेस लगा दी। इस लेस को हमने, एक तो इसमें गेटअप आ गई, इसमें डिजाइनिंग भी अच्छी बन गई, दूसरा कारण ये भी था कि जो इसके हमने सीम लगाई उसकी सीम हल्की हल्की इस कपड़े के हिसाब से इसमें खिंचाई थी, खिंचावट सी बन रही थी, जिसके कारण हमने इसमें ऐसे लेस लगाई तो इसकी लुक बन गई। तो फ्रेंड्स हमने इसको कलियों वाला एक कम्प्लीट लुक दिया है और साथ में हमने एक दुपट्टा भी तैयार किया है।
दुपट्टा क्लाइंट की डिमांड थी कि रेड कलर का दुपट्टा बनाया जाए। ये दुपट्टा मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये डाइएबल फैब्रिक से हमने इसका दुपट्टा तैयार किया। और फ्रेंड्स आपने देखा हमने इसका बॉर्डर नीचे पल्लू में दिया है, क्योंकि हमारे पास बॉर्डर भी इसी हिसाब से था कि हम इसे सिर्फ चुन्नी के दोनों तरफ लगा सकते थे। और इसमें जो ये हमने टैसल लगाए हैं, टैसल साड़ी के अंदर थे, इसी टैसल को हमने चुन्नी में लगा दिया। लेकिन इसकी मैं खासियत बताती हूँ कि हमने ये टैसल किस तरीके से पूरे किए। ये छोटे थे, मतलब इसकी चौड़ाई कम थी, दोनों तरफ चुन्नी में ऐसे पूरे कंप्लीट सेट नहीं आ रहे थे। लेकिन हमने क्या किया, इसकी बीच में से एक टैसल की ये लेस थी, इस लेस को हमने कटिंग किया। कटिंग करने के बाद इसकी लंबाई बढ़ा दी और पूरे पल्लू में कवर कर दी। तो इस तरीके से हमारी टैसल भी लगा दी हमने, बॉर्डर भी लगा दिया, और ये तो हमारी चुन्नी के अंदर थाई जो कि इसमें कढ़ाई में साथ में था। तो और इसकी फिनिशिंग देखी फ्रेंड्स, हमने ऐसे करके इसमें फैब्रिक लगा के इसकी फिनिशिंग कर दी ताकि इसमें एक अच्छा ग्रेस आ जाए और ये इस तरीके से हो जाए, नहीं अदरवाइज यदि हम इसमें ये नहीं लगाएंगे तो ये मुड़ जाएगा। तो हमने ऐसे इसका दुपट्टा तैयार किया और इस तरीके से हमने ये ड्रेस तैयार करी। तो फ्रेंड्स आपने देखा हमने ये गाउन तैयार कर दी। फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको हमारी ड्रेसेस कैसी लगी। यदि आपको हमारी ड्रेसेस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स सॉरी हम इसकी आपको पहना के हमारे क्लाइंट पे इसे पहन के नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हमारे क्लाइंट दूर के हैं, वो आ नहीं सकते। बाकी आप इसका जो कंप्लीट लुक है वो आप यहीं से देखिए, क्योंकि दूसरा कोई पहनता है तो फिर उसकी फिटिंग सही से सेट नहीं है बैठ पाती, तो हम इसको सिर्फ डमी में ही दिखा पाएंगे।